उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी में भिड़ंत तगड़ी होती जा रही है। ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो दावा ठोक रही हैं वो दावा सिद्ध साबित हो जाएंगे, क्योंकि जितनी बार भी केशव प्रसाद मौर्य ने दावे ठोके हैं वो कहीं ना कहीं जीत उभर कर आई है। क्योंकि इस बार देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जद्दोजहद कर रही, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रही है, लेकिन तीन सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये कि आप मीनपुरी खतौली जीत जाते हैं, उपचुनाव क्यों हार गए? दूसरा सवाल ये कि आप निकाय चुनाव में क्यों हार गए? तीसरा सवाल ये कि आप मेयर क्यों जो है अपना मेयर क्यों नहीं बना पाए? तो अखिलेश यादव जो है आज भी इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और लगातार ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जो है लोकसभा की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी आएगी। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए या फिर महागठबंधन करने के लिए तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, तो क्या ये मान लिया जाए कि यहां पर अखिलेश यादव जो दावे ठोक रहे हैं वो सही साबित होंगे? लेकिन इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े बड़े बयान दे दिए हैं, सुनिए इस बयान को। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, कभी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80, एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता है। देश में 350 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला करके देने के लिए देश की जनता तैयार है। और मैं कई राज्यों में जाता हूं, मैं चारों तरफ एक बात ही देख रहा हूं, किसी के मन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कोई दूसरा विकल्प उनके सामने उनको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए 9 वर्ष सरकार के पूरे होने पर लोकसभा क्षेत्र बस्ती में हमारे सांसद हरीश जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे खन्ना जी, कई सब वरिष्ठ नेतागण आए, आपने सबको सुना है, सबके साथ हर लोकसभा में इस प्रकार की जनसभाओं का इस भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में लोगों का आना यह दर्शाता है कि कार्यकर्ता तो अपना पसीना बहा ही रहा है लेकिन जनता भी मोदी जी के लिए अपना पसीना बहा रही है। सपा गुंडों की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी। एक सवाल सुन ले, यार एक सवाल कर रहे हैं। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी, और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है, और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा है। जहाँ पर भी गोली चल रही है उसकी जांच हो रही है, जो अपराधी वो पकड़ लिए गए हैं, जांच करके उसके पीछे कौन है पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिजली नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, इनके वहाँ सैफई में नहीं है क्या? बाकी चीज नहीं, कहाँ नहीं है, सैफई में नहीं, बस्ती में नहीं है। आप चिंता मत करो, कोई विरोध राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भी बहुत लोग विरोध करते थे, लेकिन हमारे तीन मुद्दे थे, जम्मू काश्मीर से धारा 370, अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और सामान्य नागरिक संहिता। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। इसके पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ, यानी कि उत्तर प्रदेश वासियों से ये कहा था कि इस बार 80 में से 80 सीटें आपको बीजेपी को हरानी है। अब देखना ये पड़ेगा कि अखिलेश यादव का गठबंधन कितना मजबूत होगा, किसके साथ गठबंधन करेंगे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट को जीतेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट।